लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय द टू कंपाउंड्स। अभी बताया कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बेसिकली कब अप्लीकेबल होता है, जब दो एलिमेंट मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बने, दो सिमिलर एलिमेंट। पहले में देखो सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड, क्या यहाँ पर दोनों एलिमेंट क्या हमारे सेम है? एक में तो क्लोरीन आ रहा है, दूसरे में ब्रोमीन आ रहा है, नहीं होगा। ऑर्डिनरी वाटर एंड हैवी वाटर D2O होता है, नहीं होगा। कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश, एक NaOH और एक KOH है, नहीं होगा। सल्फर डाई ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड, बिल्कुल सही है, क्योंकि तो सल्फर और ऑक्सीजन मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। एक सल्फर डाई ऑक्साइड बन रहा है, एक सल्फर ट्राई ऑक्साइड कर रहा है। इनमें हम किसी भी एक एलिमेंट के वेट को यदि फिक्स कर, मान लो सल्फर का वेट हमने फिक्स कर दिया क्योंकि यहाँ पे है भी सही, तो ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा इन दोनों कंपाउंड में वो एक सिंपल इंटीजर मल्टीपल रेशियो फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि 2:3 दिख भी रहा है।